एयरपोर्ट पे हम लोग जो हैं इंतजार करते रहे। तीन जगह हमारी सभाएं थी उपचुनाव को लेकर के, दरौंदा, सिमरी बख्तियारपुर और बेलहर, लेकिन खराब मौसम के वजह से हम वहां नहीं जा सके। मौसम विभाग का अलर्ट जारी था, इस वजह से जो भी उपचुनाव के जगहों पे हम नहीं जा सके, इसके लिए सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही साथ हमारे को आने में भी देरी होगी क्योंकि फ्लाइट का सेकेंड अप्रोच में लैंडिंग हुई, तो पहले गो अराउंड हुआ क्योंकि मौसम रांची में भी बेहद खराब था। और आज का जो कार्यक्रम था कि किसी भी तरीके से लालू जी से, क्योंकि आज सैटरडे है, अपने पिता से मिलें, उनसे आशीर्वाद लें और सेहत की जानकारी लें, लेकिन आते आते जो है प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वो समय जो है 5 बजे तक का ही सीमित रहता है मिलने का, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम जितने भी प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, जेल प्रशासन के लोग हैं, उनसे अपील करेंगे कि हमको मौका कल मिलने का, दिन का कोई भी समय या शाम का हमको मिले, ताकि हम अपने पिता से मिल सकें, उनकी सेहत की जानकारी ले सकें। हर हफ्ते 3 लोगों को मिलने दिया जाता है, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से ही मुलाकात की है, और हमारे इंतज़ार में जो तीसरा व्यक्ति से मिलने का था वो नहीं मिल सके। अब इमरजेंसी हो गई, प्लेन को देरी हो गई, तो उसमें हम लोगों के हाथों में नहीं था, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार है, और हम उनके बेटे हैं और मेरा अधिकार बनता है। और जो जेल मैनुअल्स के आधार पे भी अगर देखा जाए तो अगर जो भी सुपरिटेंडेंट हैं जेल के या आईजी हैं, अगर उनकी अनुमति हो तो हमको मिलने दिया जा सकता है। तो हम उम्मीद में रहेंगे और इस आशा में रहेंगे कि जेल प्रशासन जो है, सरकार के लोग जो हैं, हमारी बातों को सुनेंगे और एक बेटे को एक बीमार पिता से मिलने की अनुमति देंगे। और कल का कार्यक्रम आप लोग सब लोग जान रहे हैं, कल युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यहाँ पर जन आक्रोश रैली हम लोगों ने बुलाया है,